हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, तो हम लोग का खाना पीना हो गया है सुबह का। तो अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो हम सोचे कि अचार डाल देते हैं, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है तो अचार भी डालना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आम तोड़ के आया था बगीचा से, तो हम सोचे कि खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद हम आम काटेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम है तो काटने में समय लगेगा। इसीलिए हम खाना पीना खा कर यहाँ पर आम काट लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको अच्छे से धोएंगे, धोकर और हल्दी और नमक इसमें अच्छे से मिक्स करके और हम सूखने के लिए डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम था। तो हम इसको दो को डब्बा में करेंगे, क्योंकि एक डब्बा में तो नहीं हो पाएगा, तो हम सूखा अचार डालेंगे। यहाँ पर अभी हल्दी और नमक मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से इसको मिलाकर हम ढक कर रख देंगे इसे एक रात के लिए, रात भर के लिए इसे रख देंगे ढक कर, क्योंकि इसमें से पानी छोड़ दें और अच्छे से मिक्स हो जाए हल्दी और नमक। देखिए यहाँ पर हम हल्दी नमक मिला रहे हैं, उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे रखेंगे, तो इसको हम धूप में डाल देंगे सूखने के लिए, क्योंकि हमको सूखा अचार डालना है, पानी डालना है। सूखा अचार डालने से इसे ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलता है। तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं हल्दी और नमक और ढक के रख देते हैं, तो धूप में डाल रहे हैं अभी। इसको हम डाल देते हैं धूप में, अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर हम धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि बहुत हवा तेज़ चल रहा था, तो हम इसको नीचे नहीं डालेंगे, अभी खटिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि इसे धूल वूल उड़ कर पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम खटिया पर डाल रहे हैं सूखने के लिए। एक रात इसे रखे थे हल्दी और नमक मिक्स कर कर, क्योंकि इसमें से पानी छोड़ दे और अच्छे से मिक्स हो जाए हल्दी और नमक। देखिए उसमें से पानी छोड़ा है, तो उसको हम बिल्कुल इसको अच्छे से हम फैला देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि एक दिन पूरा अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। यहाँ पर फैला दिए सूखने के लिए, चलते हैं मसाला को रेडी करने। तो यहाँ पर देखिए सरसों धो के रखे थे, इसको हम खली में खान लेते हैं सरसों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरसों है, 2 किलो हम धोए थे सरसों, क्योंकि आम भी तो ज़्यादा था। तो यहाँ पर सरसों खली में खान लेते हैं, तो यहाँ पर मसाला तैयार कर रहे हैं हम, इसको अच्छे से कूट लेंगे, कूट कर और चलनी से चाल चाल कर हम मसाला को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कूट रहे हैं अभी, तो यहाँ पर मसाला पूरा रेडी कर लिए हैं, यहाँ पर मिक्स करने के लिए हम सारा मसाला को रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर ले लिए हैं आम सूखा वाला, देखिए किससे सूख गया है आम। तो यहाँ पर सरसों पाउडर है, सरसों को हम खान के जो लिए थे वो है, और अजवाइन, मेथी, सौंफ, काला जीरा सब हम ले लिए हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं अभी अजवाइन, सौंफ, काला जीरा, मेथी और जीरा, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और ले लिए हैं यहाँ पर सूखा वाला मिर्च, इसको भी हम खली में खाने थे, देखिए थोड़ा मोटा है, तो अभी डालते हैं हल्दी। हम सारा मसाला डाल देंगे, उसके बाद हम डालेंगे मीठा तेल, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 किलो नमक डालें हम इसमें, क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा ही नमक डालना पड़ता है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं अभी तेल मीठा तेल डालकर अच्छे से डाल के हम मिलाएंगे, क्योंकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। देखिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि हमको सूखा अचार डालना है, तो देखिए इसी तरह से सूखा अचार बनता है,
तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करके और रख देते हैं। इसी के दो दिन हम इसे सुखाएंगे, उसके बाद हम डिब्बा में रख देंगे रख कर उसके बाद। तो देखिए हमारा अचार बन के रेडी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।